सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 21 तेजसा ही न वह समीक्षित पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम सभी संस्कृत के 21वें पाठ को पढ़ने वाले हैं। तेजसाम हीना वयः समीक्षते, बलवान का सम्मान होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ उत्तर रामचरित्रम से उद्धृत नाट्यांश का संपादित रूप है। अयोध्या के राजा रामचंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर छोड़ा गया घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचता है, तब क्षत्रियों के पराक्रम रूपी इसी घोड़े को लव अपने साथ ही बटुक गणों सहित आश्रम की ओर ले जाता है। घोड़े को छुड़ाने के लिए चंद्रकेतु की सेनाओं का लव के साथ युद्ध होता है। तब सुमंत्र सारथी के साथ रथारूढ़ चंद्रकेतु आता है। अकेले लव के साथ बहुत से सैनिकों को युद्ध करते देख चंद्रकेतु लज्जा अनुभव करता है। तभी चंद्रकेतु की सेना भागती दिखाई देती है। चंद्रकेतु लव से द्वंद्व युद्ध के लिए कहता है। चंद्रकेतु के सैनिक लव पर पुनः आक्रमण करते हैं। लव के जृम्भकास्त्र के प्रयोग से सारी सेना स्तब्ध हो जाती है। लव और चंद्रकेतु परस्पर आत्मीयता भरा स्नेह और अनुराग अनुभव करते हैं। लव को पैदल देख चंद्रकेतु भी रथ से नीचे उतर जाता है और कहता है कि यही न्याय युद्ध का सिद्धांत है और यही रघुकुल की रीति है। तो यह पाठ उत्तर रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें जो अयोध्या के राजा राम जी थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके पश्चात उन्होंने घोड़ा छोड़ा था और अश्वमेध यज्ञ के मान्यता अनुसार कि जो भी घोड़ा को पकड़ लेगा वह यज्ञ जो जिस राजा ने किया उससे ज्यादा बलशाली होगा। और यह घोड़े को लव जी पकड़ लेते हैं और उसे अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं। तभी अयोध्या से बहुत सारे सैनिक आते हैं उस घोड़े को छुड़ाने के लिए और लव के साथ इनका युद्ध होता है। चंद्रकेतु सुमंत्र के साथ आते हैं और वो देखते हैं कि लव एक छोटा सा बालक है और वह बहुत सारे सैनिकों के साथ एक साथ युद्ध कर रहा है। इससे चंद्रकेतु को लज्जा का अनुभव होता है और उसके बाद चंद्रकेतु देखते हैं कि वह लव से उनकी सेना डर के भाग रही है। तब चंद्रकेतु बोलते लव से द्वंद्व युद्ध करने के लिए और जब वह सेना से हारने लगे तो लव जी ने जृम्भकास्त्र का उपयोग किया था जिससे सारी सेना एक साथ भाग खड़ी होती है। और जब लव पैदल चल रहे थे तो चंद्रकेतु भी अपने रथ से उतर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा न्याय का युद्ध यही है और हमारा सिद्धांत यही है और यही हमारी रघुकुल की रीति है। तो चलिए हम लोग इस उत्तर रामचरितमानस के नाट्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रथम एकांश। ततः प्रविशति सुमंत्रे सह रथारूढ़ चंद्रकेतु। चंद्रकेतु आर्य एकाकीनं लवं उद्दिश्य बहुनाम युद्धारंभ इति लज्जते मे हृदय। सुमंत्र के साथ चंद्रकेतु रथ पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। पहला दृश्य में चंद्रकेतु बोलते हैं, हे आर्य, एक लव नाम का बालक है, वह एक साथ इतने सारे सैनिकों से युद्ध कर रहा है और इसे देखकर मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है लज्जा का अनुभव? क्योंकि लव एक छोटे से बालक थे और सैनिकों से उनका युद्ध हो रहा था। सुमंत्र वस्त समस्त सैन्य दलम अपि लव समक्षम योद्धम नालम। चंद्रकेतु सविस्मयेन हन्त प्रति निर्वन्तते अस्माकं सैनिकाः। आर्य त्वर्यतां त्वर्यतां असमर्थदं तत्रैव नयतु। सुमन्त्रः रथ वेगं निरूप्य आयुष्मान् एष प्राप्तः वयं पश्यतु तत्रास्ति लवः। सुमन्त्र जी बोलते हैं कि वस्त
जितने भी सेना के हमारे सैनिक हैं उनके जो दल है वह भी लव के समक्ष युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रकेतु जी फिर विस्मय से बोलते हैं, हैरानी से बोलते हैं कि हमारे जो सैनिक है वह मारे जा रहे हैं। आर्य इस रथ को रोक दे। सुमंत्र रथ के वेग को रोकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हे आयुष्मान, मैंने यह रथ को रोक दिया है, वह देखो वहां लव है। चंद्रकेतु, भो भो लव, महाबाहो किमे भिस्तौ सैनिक एशे स्मे ही मामेव तेजस्ती शाम्यतु ततः प्रविशति धीरोधत पराक्रमो लवः। चंद्रकेतु आवाहन करते हैं, मतलब बुलाते हैं लव जी को। हे लव, महाबली। महाबली क्यों बोले? क्योंकि वह एक साथ बहुत सारे सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे बालक होने के बावजूद। तुम सैनिकों का नाश क्यों कर रहे हो? तुम मेरे से युद्ध करो, तुम तो बलवान प्रतीत होते हो। तभी वहां पे पराक्रमी लव का प्रवेश होता है। लव, साधु राजपुत्र, साधु सत्य मैक्ष्वा का खलवसी एष प्रस्तुतोस्मि। चंद्रकेतु, भो भो राजकुमार, अत्यद्भुतादसि गुणतिशय त्रिप्रियो में तस्मात् सखा त्वमसि यन्मम तत्तव तत्तिकम निजे परिजने कदनम करोषि ननवेश दर्पकस्त्व। चंद्रकेतु, लवा, अहो मनुभावस्य सूर्यकुलकुमारस्य प्रशंस कर्कशा वीरवंचन प्रतीत अस्तौ इनमेव समव्यामी। तो इसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रकेतु जी थे वो पहले लव जी का बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। बोलते हैं कि चंद्रकेतु जी क्या बोलते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही गौरवशाली हो, तुम बहुत ज्यादा वीर हो और इसलिए तुम एक साथ इतने सारे सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है और तुम तो बलशाली ठहरे, तो यह न्याय नहीं होगा कि तुम सैनिकों के साथ युद्ध करो, तुम मुझसे ही युद्ध करो। तब फिर लव जी क्या बोलते हैं कि हे सूर्यवंशी महाप्रभावशाली कुमार चंद्रकेतु, मैं आपकी प्रसन्नता व कठोरता से परिपूर्ण वचनों का प्रयोग वास्तव में स्वकुलोचित ही है। मतलब कि आप जो बोल रहे हैं कि मैं सैनिकों के साथ युद्ध ना करूं, तो आपका कहना सही है, यह सैनिकों के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा कि मेरे जैसा एक वीर उनका नाश कर रहा है। द्वितीय एकांश, पुनः नेपथ्य कलकला। फिर नेपथ्य से किसी की आवाज आती है। चंद्रकेतु, भो भो राजान, असंख्याते द्विरतुर स्यन्दस्थै भवद्भिः कवचावृत्त एकस्मित् पदातो युगपत् यत् युद्धं प्रारम्भं तद्व धिक् अस्मान् च धिक्। लव, सोन्माथम आह कथम अनुकंपते नाम संभ्रसम विचिन्त्य भवतु त्रिम्बकास्त्रेण तावत् सैन्यानि संतप्यामि इति नाट्ये मुञ्चति। फिर क्या होता है कि जब चंद्रकेतु जी देखते हैं कि लव जी अचानक से क्या करते हैं कि जिमिका वस्त्र का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उनके जो सैनिक है वो हताहत होके गिर जाते, सारे मारे जाते। जितने भी हाथी घोड़े और रथ पे सवार जो असंख्य सैनिक थे उनका लव जी ने अकेले पैदल चलकर ही एक साथ आक्रमण कर दिया। अपना उन्होंने जिम्बकास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे चंद्रकेतु की जितनी भी सेना थी वह हताहत हो गई। सुमंत्र, अये किमिदानीं सैन्य घोषा प्रशांता वत्स मन्ये कुमारेण जिम्बकास्त्रम प्रयुक्तमिति। चंद्रकेतु, अत्र कः संदेहः, पश्यतु सैन्यं चित्रलिखित मे अस्पंदम आस्ते अतो जितिर्वीर्यं जिम्बकास्त्रवेते। सुमंत्र, कुतः पुनस्य जिम्बकास्य प्राप्ति। चंद्रकेतु, भगवतः प्राचीर साधिति मन्यामहे। सुमंत्र, वत्स सावधानो भव, भवान एव आक्रमेते। तो सुमंत्र जी बोलते हैं कि यह क्या हुआ, हमारे सारी सेना के साथ क्या हो गया? ये जो मुनि कुमार हैं उन्होंने जिम्बकास्त्र के प्रयोग से हमारी सेना का तो हताहत कर दिया, इन्हें मार डाला, भगा डाला। चंद्रकेतु जी बोलते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है सुमंत्र जी, ये हमारी सेना को खतरे
खत्म कर दिए हैं अपने जिम्बकास्त्र के प्रयोग से। इन्हें जिम्बकास्त्र का प्राप्ति कहाँ से हो गया? चंद्रकेतु जी बोलते हैं इसमें तो लगता है कि यह जरूर कोई महान ही बलशाली बालक है। सुमंत्र जी बोलते हैं वत्स सावधान हो जाओ, कहीं यह हम पे भी जिम्बकास्त्र का प्रयोग ना कर दे। तृतीय एकांश चंद्र केतु लवह च अन्यो अन्यम प्रति अहो प्रिय दर्शन कुमार सहस्नेह अनुराग निर्वण्य कथमेव अयम आत्मीय इवि प्रतिभाति। तो चंद्र केतु लव के बोलते हैं बहुत ही प्रेम के साथ, हे प्रिय दर्शन कुमार, मैं आपके साथ आत्मीयता का भाव महसूस कर रहा हूं। सुमंत्र प्रयाश प्रणिनाम एष स्वभाव एव यतः कश्यश्चित् क्वचित् आनंदमय प्रीति भवति एव। सुमंत्र जी भी प्रणाम करके बोलते कि यह हमारा स्वभाव कैसा है कि हम लोग को एक दूसरे के साथ आनंद की प्राप्ति हो रही है, हमें एक दूसरे के साथ प्रीति हो रही है, प्रेम हो रही है। अहेतु पक्षपाते यत्यस्य नास्ति प्रतिक्रिया सहि स्नेहकमस्तु तुरंत भूतानि सव्यति कुमारो अन्योन्य मुद्दिश्य निरीक्ष्य मंगेशु आलिंगनस्य अभिलाष उत्पद्यते तत्कथा मृदु शरीरस्मिन् शरः मुक्तव्य चंद्रकेतु अवतराम्य स्यान् दाता। सुमंत्र कस्य हेतु चंद्रकेतु एकस्तावद्यं वीरपुरुष पूजितो भवति अपि च आर्य छात्र धर्मं परिपालितो भवति शोभनावत्स एष सांग्रमिको न्याय एष धर्म सनातन इयम ही रघु हिंसाना वीर चरित्र पद्धति। तो जब बोलते चंद्रकेतु जी कि हमें आपसे प्रेम का भाव महसूस हो रहा है, आप हमें अपने लगते हैं, तब इस पे जो राजकुमार है वह क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि हम लोग का कोई प्रेम का बंधन हो या किसी जन्मों का साथ हो। फिर चंद्र केतु जी क्या बोलते हैं, देख रहे कि जब युद्ध हो भी रहा है हम लोग का एक साथ, फिर भी हम लोग एक दूसरे से प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, तब वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने सारथी सुमंत्र जी से कहते हैं। सारथी कौन हुआ, जो रथ को चलाते थे पहले के जमाने में उन्हें सारथी बोला जाता था। तो अपने सारथी सुमंत्र जी से कहते कि बहुत से प्राणियों से का यह स्वभाव होता है कि हम उनसे युद्ध भी करते फिर भी हमारा उनके साथ एक अलग ही प्रीति होती है, उनके साथ एक अलग ही प्रेम का व्यवहार बन जाता है। और जब युद्ध में दोनों जो कुमार थे चंद्रकेतु और लव, जब उन्होंने आपस में ही प्रेम का भाव को महसूस किया, तो चंद्रकेतु जी सुमंत्र से कहते कि यह जो वीर कुमार है वह पैदल है और हम लोग अभी रथ पर है, इसलिए हमें रथ से उतर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि यह जो वीर बालक है उसका हम लोग सम्मान कर पाएंगे। सम्मान तभी होता है जब किसी का बराबरी हो। और चंद्र कुमार जो थे, जो चंद्र केतु कुमार थे, वह तो रथ पे थे और जो लव थे वह पैदल जा रहे थे। तो चंद्र केतु जी क्या बोलते हैं कि हमें इस वीर बालक का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हमें रथ से उतर जाना चाहिए और यही क्षत्रिय धर्म का भी पालन भी करना होगा। तब सुमंत्र जी कहते हैं हाँ वत्स, तुम धर्म के अनुकूल ही सोच रहे हो, क्योंकि जो रथ पर सवार है और वह तो पैदल है, अतः यह जो युद्ध हो रहा है वह न्याय नहीं है। और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है और रघुवंश के जितने भी वीर हैं उनकी जो आचार परंपरा है वह युद्ध में हमेशा बराबरी का ही होता है, कभी भी हमें कमजोर से युद्ध नहीं करना चाहिए। और यह जो हमारा नाटक का जो अंश दिया गया है वह हमारे रामचरित के उत्तम मानस से दिया गया है, इसमें हमें अश्वमेध के जो यज्ञ के घोड़े थे जिसे लव जी ने पकड़ा था उस समय जो भी युद्ध में के क्षेत्र में हुआ था उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न।
ये रहा पाठगत प्रश्न 21.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 21.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 21.3। ये रहा पठान प्रश्न। ये रहा उत्तरानी। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ उत्तरानी में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरानी की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।